और देखिए गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू सूजी और आटे से हेल्दी नाश्ता, जो कि आप चाय के साथ या किसी चटनी के साथ या जैम के साथ या फिर शेजवान चटनी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं, इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी, इतना अच्छा कि शायद आप लोगों ने यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल कम मसालों से बना हुआ ये नाश्ता, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बना है, बनाते हैं। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी, कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत 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 एक ऐसा नाश्ता, बहुत यम्मी सा एक ऐसा नाश्ता जो कि देखकर आप सब खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमने लिया हुआ है सूजी हाफ कटोरी, ये बारीक सूजी है, आप चाहें तो मोटी सूजी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आटा, ठीक है, जो घर में रेगुलर हम यूज करते हैं बस वही आटा है, तो उसको हम डालेंगे 1/4 स्पून। ये देखिए 3 हो गई, ये 4, तो ये 1/4 स्पून हमने आटा ऐड किया हुआ है इसमें। और ये हमारे 2 बॉयल आलू हैं जिनको हम ग्रेट करके इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसका बनाएंगे एक पेस्ट, ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ऐड करेंगे इसमें ऐसे, और बिना लंग्स का एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। आप चाहें तो खाली सूजी से भी ये बना सकते हैं, और आप चाहें तो खाली आटे से इसको बना सकते हैं नाश्ते को, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से ऐसे करके फेंट लेंगे, ये देखिए, ये देखिए हमारा फेंट चुका है लगभग, ठीक है। हमें हल्का हल्का ही फेंटना है, क्योंकि अभी हमें सब्जियां भी इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी, तो उसके हिसाब से हमें इसको फेंटना है, ठीक है। तो अब ये हमने अपना फेंट लिया है, अब इसमें हम आलू ग्रेट करेंगे। ये देखिए एक ग्रेटर ले लिया हमने अपना, और इससे हम अपना आलू ग्रेट कर लेंगे। देखिए ये हमारा रखा ठंडा, फ्रिज में रखा हुआ ठंडा आलू है, इस वजह से हमें ग्रेट करना है। आप चाहे तो आप फोड़ कर भी इस आलू को ले सकते हैं। देखिए आलू से जो है ये हमारा नाश्ता बहुत फ्लफी बनेगा और बहुत सॉफ्ट बनेगा। तो ये दोनों आलू हम अपने इसमें ग्रेट कर देंगे, ये देखिए ग्रेट किया है, अब इसको हम इसी में मिक्सअप कर लेंगे, ठीक है। और अब इसमें हम अपनी थोड़ा सा, देखिए ये थिक लग रहा है ना, तो अभी इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये इस तरह से, और अच्छे से इसको मैश करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी सब्जियां ऐड करते हैं इसमें। तो ये हमारा टमाटर एक मीडियम साइज, जिसको हम हाफ डालेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा पिज्जा स्टाइल में बना रहे हैं, ये देखिए मिर्च, ठीक है, तो ये भी डाल ली हमने, शिमला मिर्च है हमारी। और ये हमने प्याज अनियन, इसको भी हमने ऐड कर लिया। ये थोड़ी सी सब्जियां बचाई हैं क्योंकि हमें इसको डेकोरेट करना है, तो ये हम पिज्जा स्टाइल में बना रहे हैं, बट आज इसको हम अलग स्टाइल में पिज्जा बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऐसे हम इसमें, अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। और अभी हमारे ये जो बैटर है वो थोड़ा सा थिक है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इस तरह से। ये देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल सही हो गया है। तो इसको अब हम इसमें मसाले कुछ मिला के इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे, ठीक है। ये देखिए टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट या नमक थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा गरम मसाला, ये देखिए गाइस बिल्कुल हाफ टेबल, जितना आप खाएं चाट मसाला उस हिसाब से चाट मसाला, तो ये हमने डाल दिया है 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला, ठीक है। और अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद में इसको हम रख देंगे। देखिए वीडियो स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को देखिएगा हमने कैसे बनाया, बिल्कुल भी ये नाश्ता बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा, बहुत अच्छा बहुत फ्लफी होगा और बहुत सॉफ्ट होगा, मॉइस्ट। इसको अब हम 5 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट पर, और तब तक चलते हैं दूसरा काम करते हैं। ये देखिए एक पैन में हमने पानी लिया हुआ, ये देखिए करीब करीब 2 गिलास पानी हम लेंगे या 2 कटोरी, ये देखिए पानी लेंगे। इसको बॉयल होने के लिए हम रख देंगे अपने गैस पर। देखिए जब तक बैटर अच्छे से फूल रहा है तब तक, और पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम लेंगे 1 केटली, इसमें 1 स्पून खाली हम ये डालेंगे घी, और इसको हम ग्रीस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह से हम पूरा इसमें लगा के फिर मिलते हैं। तो ये देखिए हमने हाथ से अपना घी अच्छे से स्प्रेड कर लिया, जिससे कि डीमोल्ड करने में बहुत आसानी होगी। आज हम
केक टीम में बनाएंगे पिज्जा, ठीक है। एक बात और गाइस, हम हाथ से लगाते हैं घी, मॉइस्ट करते हैं, हमने सिलिकॉन वगैरह का ब्रश नहीं यूज करते हैं क्योंकि उसको उसमें टाइम बहुत लगता है उसको वॉश करने में। अगर अच्छे से वॉश ना हो तो उसके जो रेशों में होता है वो घी या कोई भी चीज हो वो फंस जाता है, तो हमको वो अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से हम हाथ से ही स्प्रेड करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा पानी बॉयल होने लगा है, तो चलिए अब देख लेते हैं। देखिए गाइस, 15 मिनट हो चुका है, तो अब इसमें हम एक अपना इनो का सेसे लेंगे। ये देखिए गाइस, एक इनो का सेसे ले लिया जो कि हम पूरा डाल देंगे इसमें, ठीक है। आपके पास अगर इनो सेसे ना हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और इसको अब इसमें हम मिला देंगे, ठीक है। इनो सेसे नहीं है तो आप बेकिंग सोडा का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको हम अच्छे से ऐसे मिला देंगे, और इसको इनो मिलाने के बाद देखिए कितना हल्का हो गया और फ्लफी हो गया, अच्छे से पूरा का पूरा मिल चुका है। तो इसको अब हम वेट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है, और अपना केक टिन में हम करके इसको अच्छे से रख देंगे। तो इसको हम केक टिन में डाल लेते हैं। ये देखिए, अब इसको हम टैप करेंगे ऐसे, जिससे कि जो बबल्स हैं वो निकल जाए, थोड़े बहुत इक्वल हो जाए। और आप देखिए, इसमें थोड़ा सा हम अपना अच्छे से अपने हिसाब से डेकोरेट कर देंगे। जो सब्जी हमने रख रखी है वेजिटेबल्स, तो उनसे हम अच्छे से इसको डेकोरेट कर देंगे अपने हिसाब से। आप जो भी सब्जियां ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, और अब कुछ नहीं करना है, तो चलिए रखते हैं इसको स्टीमर में। और ये देखिए, इस तरह से छन्नी ले लेंगे, ये तो इसको इसमें हम रखेंगे। ये देखिए, अच्छे से भाप बन रही है, तो हमने रख दिया। और अब हम इसमें अपना ये भी रख देंगे बैटर, और इसको अब हम लगभग 15 मिनट तक इसको बिल्कुल खोलेंगे नहीं, बिल्कुल आराम से इसको हम पकने देंगे जैसा है वैसे ही, ठीक है। 15 से 20 मिनट लगभग लगभग, देखो वैसे हमने बनाया है जो, तो हमको लगभग लगभग लग जाता है 20 से 25 मिनट, तो हम 15 मिनट बाद इसको, 15 मिनट हो जाने देंगे, उसके बाद इसको चेक करके देखेंगे एक बार, अगर हमारा हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता तो थोड़ी देर और पका लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 15 मिनट बाद मिलते हैं। ये देखिए गाइस, अब देखेंगे, ये देखिए फूल फूल के इतना मोटा सा हुआ है, तो इसमें एक हम ये देखिए गाइस, अब अपनी नाइफ इंसर्ट करेंगे अंदर और देखेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ निकल के आई है, ये जो दिख रहा है आपको ये कुछ नहीं है, ठीक है, पहले एक बार चेक किया था उसी का है। अब इसको निकाल कर हम रखेंगे बाहर ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए गाइस, इसको अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे अपने काउंटर पर, जिससे कि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, उसके बाद इसको डीमोल्ड करेंगे, ठीक है। और आप देख सकते होंगे सबसे ज्यादा पकने का सबसे ज्यादा अच्छा इंडिकेशन हमारा, देख सकते हैं, तो ये देखिए साइड छोड़ने लगा है बैटर हमारा, ठीक है, अच्छे से, तो इसका मतलब ये भी है, और कितनी अच्छे से वेजेस वगैरह दिख के आ रही है। तो चलिए इसको ठंडा करते हैं, इस तरह से इसको ढक देते हैं जिससे कि ये ठंडा हो जाए, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा बनकर रेडी है, इसको अब हम मनचाहे आकार में काट कर सकते हैं, चाहे पिज्जा आकार में काटिए या किसी भी आकार में, तो इसको आज हम काटेंगे पिज्जा आकार में, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, तो थोड़े से हम इसके छोटे क्यूब करेंगे, बहुत बड़े नहीं करेंगे। और इसे आप खाली आटे से भी बना सकते हैं, और इसे आप सूजी से भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आपको दिखा देते हैं ये कैसे बना, ये देखिए कितना फ्लफी है और कितना यम्मी है। तो चलिए इसको हम फ्राई करते हैं, इसको आप डीप फ्राई करना चाहें आप डीप फ्राई कर सकते हैं, सैलो फ्राई करना चाहें तो आप सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, तो हम आज सैलो फ्राई करेंगे, तो चलिए करते हैं सैलो फ्राई। ये देखिए गाइस, हाफ टेबल स्पून सरसों दाना इसमें ऐड करेंगे, और हाफ टेबल स्पून जीरा, आप दोनों में से कोई एक चीज भी ले सकते हैं। अब देखिए गाइस, तड़क चुके हैं सब चीज, तो हम इसमें एक एक करके ऐड करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। आप बिना फ्राई किए खाना चाहते हैं तो बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये तो बहुत ज्यादा है, ये देखिए इस तरह से आप फ्राई करेंगे हिला के। देखिए गाइस, हमने इसमें हरी मिर्च नहीं डाली है, आप चाहें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, रेड मिर्च भी डाल सकते हैं, मतलब और तीखा और स्पाइसी भी बना सकते हैं, बट हमने बच्चों का स्वाद ध्यान में रखते हुए बनाया है, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं इतना तीखा खाते हैं, तो उस हिसाब से हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही अच्छे से फ्राई करेंगे, और इसको चाय के साथ, चटनी के साथ, या फिर हम
मेयोनीज के साथ किसी के साथ भी खा सकते हैं आप। देखिए इस तरह से थोड़ा सा कम मसाले वाला, कम मिर्च वाला बनाइए और उसके बाद मेयोनीज के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, क्योंकि वो तीखी होती है थोड़ी सी, मेयोनीज है, चिली सॉस है, इन चीज़ों के साथ में। तो आप तीखा अपने हिसाब से खा सकते हैं, इस हिसाब से बच्चों के लिए भी बन जाएगा और तीखी चटनी ले लीजिए वो आपके हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। तो उसको अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, फिर मिलेंगे। ये देखिए गाइस हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आपको दिखा देते हैं पास से। ये देखिए दिख रहा होगा, तो इसको ऐसे ही हम सर्व करें। चलिए आज की हमारी ये रेसिपी, इसको हम करते हैं सर्व। देखिए गाइस ये रहा हमारा टी टाइम नाश्ता, जो कि इस पर हरी मिर्च रखी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि नाश्ता आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है जब तक हमने सर्व करके दिखाया। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।